हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल डोसा। डोसा एक ऐसा डिश है जो सभी को पसंद होता है, चाहे बच्चे हो या बड़े। ऐसे टेस्टी हेल्दी डोसा के लिए मैंने लिया है साबूदाना। ये एक कटोरी नॉर्मल साबूदाना है। उसके अलावा ये है भगर, इसे समा के चावल भी कहते हैं, भगर भी कहते हैं। ये भी एक कटोरी है, जनरली इसे भगर के नाम से जाना जाता है। और सेंधा नमक व्रत का है इसलिए मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले भगर और साबूदाना, इनको मैं अच्छे से धो के सफिशेंट पानी डाल के 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। आप चाहो तो इसे रात भर भी भीगने रख सकते हो, जितना देर आप इसे भिगाओगे उतना अच्छा है, बट हमें तुरंत बनाना है इसलिए मैं 3 घंटे इसे भिगाई हूँ। 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं साबूदाना काफ़ी अच्छे से भीग गया है। मैं आपको एक प्रेस करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। भगर भी अच्छे से भीग गया, साबूदाना भीग के दुगना हो गया, बट भगर भीग के दुगना नहीं होता है, बट ये काफ़ी अच्छे से भीग गया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। भगर में से मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसे मिक्सी के जार में डाला है, डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट स्मूथ है, बट एकदम चिकना नहीं है, हल्का दरदरा है। अब मैं इसे डाल रही हूँ बाउल में। बाउल में डाल के सेम इसी तरीके से मैं साबूदाने को भी ग्राइंड करूँगी। अभी मैंने डाला है साबूदाना, साबूदाना में हल्का पानी डाल के मैं इसका स्मूथ बैटर बना लूँगी। अब इसका भी बैटर बनके रेडी है। आप देख सकते हैं साबूदाना का जो बैटर है ये एकदम चिकना है, और ये जो भगर का बैटर है ये हल्का दरदरा है। बस हमारा बैटर इसी तरीके से हमें बनाना है, बना के जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल चावल से जो डोसा बनाते हैं उसी तरीके से, उसी कंसिस्टेंसी में इसका बैटर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ये सेंधा नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। इस बैटर को खमीर उठने के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें साबूदाना है इससे थोड़ा सा चिपचिपापन रहेगा और डोसा काफ़ी अच्छे से बनेगा। अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में। अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली लिया है, ये भुनी हुई मूंगफली 1/2 कटोरी है। उसके अलावा ये है खोबरा किस, नमक, हरी मिर्च और तेल। अभी मिक्सी का जार लेके हम लोग सारी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैंने मूंगफली डाला है, उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट, अगर आपके पास गीला नारियल है तो आप उसका इस्तेमाल करना, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, और नमक भी डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। चटनी बनके रेडी है। अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में। अब हम इसे लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन रखा है और उसमें डाला है 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डाल के इसको मैं सिर्फ जीरे से तड़का लगा रही हूँ। अगर आपके व्रत में करिया पत्ती या सूखी लाल मिर्च जो भी चीज़ें चलती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने सिर्फ जीरा डाला है। जैसे जीरा क्रैकल हुआ उसके बाद मैंने इसे निकाल के चटनी के ऊपर डाल दिया है। बस हमारी चटनी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने से पहले आप एक बार बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेना। अब मैंने रखा है डोसे का पैन, रख के इसे गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के टिश्यू पेपर से क्लीन किया। ऐसे करने से तवे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैं 2 स्पून बैटर इसके ऊपर डाल रही हूँ, डाल के इसको अच्छे से फैला रही हूँ। इसको आप जितना पतला बना सकते हैं उतना पतला बना लेना। फैला के अब साइड से मैं ऑयल डाल रही हूँ, डाल के इसे क्रिस्पी या साइड से किनारे छोड़ते तक हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, वो आप कितना मोटा बना रहे हो या गैस का फ्लेम कौन सा है। अब मैंने इसे पलट दिया, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया। उसके बाद मैंने इसे पलटा है। पलट के इसी तरीके से हम लोग सारे डोसे बनाएंगे। ये डोसा गरम गरम ही सर्व करना है, ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुरंत बनाओ तुरंत सर्व करो। ये डोसा बन के रेडी है, मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। इसी तरीके से हम लोग बाकी के डोसे बनाएंगे। अभी मैं आपको एक और डोसा बना के दिखा रही हूँ। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डोसे का बैटर डाल के इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल्ली और धनिया पत्ती। अगर आपके व्रत में ये सारी चीज़ें चलती हैं, आप इस्तेमाल करते हो तो ही आप डालना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल्ली, धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाला है। ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। जब हम खाते हैं तिल्ली मुंह में आता है तो क्रिस्पी भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने साइड से थोड़ा सा ऑयल डाला, आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे भी सेम किनारे छोड़ते तक या क्रिस्पी होते तक हम पकने के लिए रख देंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से सीख गया है, मैं इसे पलट रही हूँ। पलट के 1-2 सेकंड और रहने दूंगी, उसके बाद सर्विंग प्लेट में निकाल कर इसे मैं सर्व करूंगी उपास वाली चटनी के साथ।
ये डोसा बहुत जल्दी बनता है, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप उपवास में नहीं, ऐसे भी एज अ ब्रेकफास्ट इसे बना के खा सकते हैं। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी डोसा बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।